नफे सिंह राठी के पुत्र हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के हम लोग ठीक बाहर हैं। सर, दुखद समाचार, और जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं, हथियारों को अभी सलाखों के पीछे भेजा नहीं गया है, कुछ लोगों का नाम भी आया है FIR में, किस पे शक था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये FIR जो दर्ज हुई है, ये जो गाड़ी चला रहा था हमारा भाई जो बच गया है, जिसको 2 गोलियां लगी हैं, उसके बयान पे दर्ज हुई है। हमें शक तो था कि इसके अंदर BJP के ही लोग शामिल होंगे, बिना सरकार के शय के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतना बड़ा क्राइम करते, और उनके पास पैसा भी अच्छा खासा ही पहुंचा है, क्योंकि हथियार भी हाईटेक थे उनके पास। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है। अब ये पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी और कितना सीरियसली इसको ले और हमारे फादर साहब के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, सबने कहा है कि न्याय मिलेगा और सख्त आदेश दे दिए हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं, ये घटना क्यों होती है, इसके पीछे किसकी मंशा है, क्या उसका मकसद था? आप लोगों ने पहले भी सुरक्षा की मांग की थी, वो आपको नहीं मिली, उसको लेकर कुछ कहना है? ये वही लोग हैं जिनके सामने मेरे पिताजी ने बार बार सुरक्षा की मांग की है, ये हमें न्याय दिलाएंगे? इनको तो शर्म आनी चाहिए। जब मेरे पापा मिलके आते थे खट्टर साहब से, तो कहते थे कि इस बार तो खट्टर साहब ने कह दिया है कि सुरक्षा देंगे, दर्जनों बार मिले होंगे, शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? अभी राजनीति करेंगे हमारे पिताजी की मौत पे? परिवार को अभी भी सुरक्षा की जरूरत है, जिस तरीके से तमाम लोग बाहर मांग कर रहे हैं कि आप लोग और आपके तमाम जो परिवार में लोग हैं, उन्हें भी सुरक्षा की जरूरत है, अभी भी थ्रेट गया नहीं है? मैं 3 महीने पहले खुद लिखित में दरखास्त भेज चुका हूँ, मेरी दरखास्त पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, मेरे को बुलाया भी नहीं गया है। सैकड़ों बार हम इन लोगों के खिलाफ जो हमारे साथ ये व्यवहार कर रहे थे, हमारे को बार बार थ्रेट कर रहे थे, इनके खिलाफ कंप्लेंट दे चुके थे, लेकिन हमारी कंप्लेंट पे एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लाकर हमें फंसाने का काम किया, और झूठे मुकदमे में अलझाकर हमारी राजनीति को और हमारी पर्सनल लाइफ को भी खराब करने का काम किया इस सरकार ने। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? पोस्टमार्टम होने के लिए तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं बाहर, समर्थक खड़े हैं, रास्ता जाम हो रखा है। जब तक जो इसके षड्यंत्रकारी लोग हैं और जिन्होंने ये काम किया, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, ना हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, ना हम अपने पिताजी को दाग देंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा, ना ही चिता में अग्नि दी जाएगी। साफ तौर पर उनके परिवार वालों का कहना है। बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के सामने मैं मौजूद हूँ, यहाँ समर्थक मौजूद हैं, साथी मौजूद हैं, पुराने दोस्त मौजूद हैं, परिवार वाले मौजूद हैं, आंखें नम हैं और साफ तौर पर न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगढ़ से कैमरामैन नरेश के साथ मैं रवि मिश्रा।